आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि यदि गृह मंत्रालय हमसे पूछे कि आपके संगठन की प्राथमिक सदस्यता कितनी है, तो क्या हम लोग जवाब दे पाएंगे। मैं प्रदेश अध्यक्षों से पूछना चाहता हूं कि यदि वो आपसे पूछे, आए भी आपसे पूछे कि आपके प्रदेश के प्राथमिक सदस्यता कितनी है, क्या सारे प्रदेश अध्यक्ष यहां विराजमान है जवाब दे पाएंगे? नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग अपने अपने प्रदेशों के अंदर अपने अपने प्राथमिक सदस्यता को, एक्टिव मेंबरशिप को भी बढ़ाए, अपने एक्टिव मेंबरशिप को जो है उसको कलमबद्ध करें, उनकी सूची तैयार करें, ताकि हम लोग किसी भी जो है उसमें यदि हमारी इंक्वायरी की जाती है, हमसे पूछा जाता है, तो हम लोग जो है ये बता सके कि हमारे इसकी प्राथमिक सदस्यता कितनी है। आज हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, हमारे सब जो है नेता है, सब लोग हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन यदि कोई हमसे पूछा जाए आपकी प्राथमिक सदस्यता कितनी है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया, पहले क्या होता था कि जिस प्रकार से जो है हम जाते थे प्रदेशों के अंदर, तो प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव हुआ करते थे, उसमें हम लोग मेंबरशिप के पर्चा देते थे, उसमें वो 1500 मेंबर बनाते थे, लेकिन वो कल्चर बंद हो गया है। आजकल नॉमिनेशन का कल्चर हो गया है। कल्चर बुरा नहीं है, ये भी हम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन आज हमारा ये दायित्व बनता है कि कम से कम हम जो है उसको भी जो है मेंबरशिप को बढ़ाए। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम किया है, तो हमारे सारे एक्टिव मेंबर्स को यह संदेश आना चाहिए था कि 25 दिसंबर को हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बेशक वो ना आए, लेकिन उनको ये मालूम चलना चाहिए कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोग्राम वहां पे आयोजित किया जाए। दोस्तों, आपके पास जो फोल्डर पहुंचा हुआ है, इसमें सभी के पास जो है जो फोल्डर है उसमें हमारी संस्था के उद्देश्य और कार्यक्रम दिए गए हैं। इन उद्देश्य और कार्यक्रम को जो है, जैसा मैंने पहले बताया, सन 1979 के अंदर हम लोगों ने बनाए थे। उस समय की सिचुएशन क्या थी, उन साथियों ने बनाए थे। आज सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, चुनौतियां बदल गई हैं, तो जाहिर है कि उद्देश्य और कार्यक्रम में भी बदलाव होगा। तो मैं सभी साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं, इन कार्यक्रमों और उद्देश्यों को पढ़ें और इसमें जो भी कुछ नया बन सके, जो भी कुछ नया संशोधन किया जा सके, वो कृपया करें। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो संगठन के लिए एक नीति निर्धारक मंडल का गठन करें, नीति निर्धारक मंडल का गठन करें, ताकि उसमें जो ऊर्जावान साथी हैं, जो नए युवा साथी हैं, जिनके पास विजन है, उन लोगों को इसमें शामिल करें, ताकि वो नए नए कार्यक्रमों, नए नए उद्देश्यों और नई नई चुनौतियों से जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराएं, ताकि हम नेक्स्ट कार्यक्रम के अंदर जो है हम उन चुनौतियों को और उन कार्यक्रम को समाहित कर सके। इस प्रकार का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूं।